शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तिरंगे पर तुझे सर वो कैदी नंबर 302 तारा सिंह भाग गया। नहीं सर, वो पाकिस्तानी आतंकवादी अफजल खान को बहुत मार रहा है। क्यों सर? अफजल खान ने हमारे तिरंगे तो सर अपना पंजाब का शेर अच्छा। है ना, वो उस पर टूट पड़ा। चलो रामखोर, ये तिरंगा नहीं 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान है। रामखोर, इसी तिरंगे के लिए शहीद भगत सिंह और आजाद उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। यो ये तिरंगा शान है बापू नेहरू और तिलक की, और इसी से 12 बापों की औलाद हो। तुम्हें इस तिरंगे की अहमियत पता नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। रामखोर, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, जिस देश में रहते हो उसी से गद्दारी करते हो। तिरंगे को सर ये आतंकवादी है। सर आतंकवादी नहीं, आतंकवादी तू है। सर मैं आतंकवादी नहीं हूँ। आतंकवादी तू है, तेरा बाप भी आतंकवादी। मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। काल कोठरी में डाल दो। हवलदार, इसे मार मार कर अपाहिज कर दो। मैं मुसलमान खान हूं, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। समझा? हिंदुस्तानी हूं। हम लोग आतंकवादी नहीं है। तेरा बाप भी बोलेगा।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ₹200 के लड्डू ले आना जी और ये ₹200 के पेड़े गांव वालों में बांट देना। बहुत अच्छा। अरे बेटी क्या बात है, तुम्हारा मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों है? किसी ने तुमसे बदतमीजी की? पिताजी इस गांव में किसी की मजाल है जो हमसे पंगा ले? सबको मालूम है ठाकुर बलदेव सिंह की बेटी हूँ। तो फिर हमारी फूल जैसी बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? वो तारा है। तारा? वो मुखिया का बेटा? नहीं बाबूजी। बदतमीजी की तुमसे? नहीं मैं उस तारा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी सहेली तारा की बात कर रही हूँ। क्या हुआ तारा को? उसकी शादी हो रही है ना। शादी? तो फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुशी तो मुझे बहुत है बाबूजी, लेकिन जब वो शादी करके चली जाएगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। इसमें चिंता की क्या बात है, हमने तेरे लिए भी बंदोबस्त किया है एक अच्छा बढ़िया खूबसूरत दूल्हे का। क्या बाबूजी आप भी। कपड़ा भी सुखाती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? हाँ हाँ देती हूँ बाबा, जरा तारा को तो आने दो। अरे आओ बेटा आओ, आओ बेटा। बाबूजी सारा खेत जोत कर हो गया। अरे बेटा शाबाश शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। अब तू एक काम कर बेटा, तालुका जाकर खाद और बीज लेकर आ जा। सब काम मेरे बेटे से ही करवाओगे, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। अरे भगवान सब काम मैं ही करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल का टुकड़ा बोलता है कि बाबूजी अब आप आराम करो मैं काम करूंगा। हाँ ऐसा तो तब तक ही होता है जब तक लड़के जवान नहीं होते, घर में बहू नहीं आ जाती है, बहू के आने के बाद बगावत करते हैं, फिर तो घर में वही होता है जो बहू चाहती है। ये तो भगवान तूने 100% सही बात कही, मैं भी पहले तारा की तरह बाबूजी की बात मानता था, है? अब जब से तुमसे शादी हुई है तुम्हारी बात मानता हूँ, ठीक है ना? हाँ तो जी, जवान लड़के के सामने ऐसा करते हो, कुछ भी अनाप शनाप बक देते हो। बाबू जी। हाँ बेटा। आज लकिया सरजू और बिरजू मिले थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ठाकुर बलदेव सिंह ने उन लोगों की जमीन देने से इनकार कर दिया। ये ठाकुर बलदेव सिंह धीरे धीरे गांव के किसानों की सारी जमीन हड़प कर लेगा। इस ठाकुर के खिलाफ जंग का ऐलान करना होगा। क्या ठाकुर साहब, गांव में आपके खिलाफ बगावत के सुर बजने लगे हैं। कौन है वो नामुराद जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? लखिया सत्तू और बिरजू। ये वो कुत्ते हैं जो भौंकते तो हैं लेकिन काटते नहीं हैं। खबर मिली है कि इनकी सरपरस्ती मुखिया राम प्रसाद कर रहा है, जिसके सामने आपने हमेशा मात खाई है। तेरी बदतमीज जलील कही के मेरे ही सामने मेरे दुश्मन की तारीफ करके मेरे जख्मों पे नमक रगड़ रहा है, निकल जा यहां से। इस मुखिया का तो कुछ करना ही होगा। बीती जाए जिंदगानी, साला कब आएगा? क्या बात है, छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी की सहेली हूँ, छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, मुझे जाने दीजिए। जानता हूँ तू कौन है और तेरी शादी होने वाली है। कौन आ गया? धीरे कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर तुम? हाँ ठाकुर साहब, हमें यह खबर मिली है कि तारा शर्मा को जबरदस्ती आपने अगवा किया है।
ये खबर किसने दी आपको? खबर जिसने भी दी हो, मगर ये पक्की है। बोलो तारा शर्मा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे ठाकुर साहब के आदमी यहाँ जबरदस्ती उठा कर ले आए हैं। अरे हाँ भाई, ये तो गठबंधन का जमाना है ना, आपस में मिल बांट कर नहीं खाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे। और फिर ठाकुर साहब के साथ तो मैं हर जुर्म में पार्टनर हूँ, और हर बलात्कार में कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ। साथी हाथ मिलाना। इसका मतलब तुम भी ठाकुर साहब से मिले हुए हो? अरे ओ ठाकुर साहब, तनिक जल्दी करो ना, अपन भी कतार में है। अबे कतार क्या, तो आ जा कतार। हाँ सब कर लिया ना? हाँ ठीक है ना सब लोग। गांव वालों, तुमने हमें पंचायत में क्यों बुलाया है? फैसला करने। फैसला? कैसा फैसला? आप बेजू लखिया और सत्तू की जमीन ब्याज और मूल मिलने के बाद भी क्यों नहीं लौटा रहे? देखो, जब तक वो मेरा पूरा कर्जा नहीं दे देते, मैं उनकी जमीन वापस नहीं करूंगा। अभी तक उन्होंने जो पैसा दिया है उसमें मेरा कर्जा बहुत बाकी है। आपने स्टाम्प पेपर पर जो इन बिना पढ़े लिखे किसानों का ऊंटा लेने की जो चाल चली है ना, मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? मैं अदालत का दरवाजा खटखटाकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। देखो रामप्रसाद, इस इलाके का कानून, राजा, सब कुछ हम हैं। हम जो चाहे करेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? हाथी भी चींटी को देखकर यही सोचता है, मगर जब चींटी उसकी जान ले लेती है तब उसे एहसास होता है कि एक मामूली सी चींटी उसकी मौत का कारण बन सकती है। अच्छा, कर लो जो कर सकते हो तुम। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझे धमका रहे हो? धमका नहीं रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। हफ्ते भर के अंदर जमीन लौटा दो, वरना अंजाम तुम जानते हो। मुखिया, तेरे दिन अब पूरे हो गए, चलता हूं। अब छोड़िए भी ठाकुर साहब, आप तो रामप्रसाद की बातों को लेकर ही बैठ गए हैं। उस कमीने ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। ठाकुर साहब, आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। आप हुक्म करें तो साले को अभी टपका आऊं। त्रिपाठी, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो, तुम मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करोगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है त्रिपाठी। वो राम प्रसाद का खून होते ही सारे गांव वालों को सबसे पहले मुझ पर ही शक होगा। वो उसे अपना रहनुमा मानते हैं ना, और वो एक देशभक्त है जिसके हाथ में जनता की ताकत है। और अगर उसके खून के बाद गांव वालों ने तहकीकात की तो क्या जवाब दोगे तुम? बहुत लंबा सोचते हो ठाकुर साहब, आप मान गए आपके दिमाग को। इस दुनिया में जीने के लिए लंबा सोचना पड़ता है त्रिपाठी। अब हमें यह सोचना चाहिए कि उस राम प्रसाद की ऐसी कौन सी कमजोर नस है जिसके हमारे हाथ में आने से वो खून के आंसू रोने लगे। उसकी कमजोर नस तो है उसका लाडला बेटा तारा। तारा? ठीक है, तारा के बजा दो 12। कौन हो तुम लोग? मैं पूछता हूं, कौन हो तुम लोग? मामू आतंकवादी का नाम सुना है? हम आतंकवादी हैं। अच्छा, तो तुम लोग आतंकवादी हो? एक रात की पनाह चाहिए और खाना चाहिए। कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलो। पुलिस? सुन, अगर हम पकड़े गए ना तो तेरी बीवी नहीं बचेगी, तेरी बीवी की जिंदगी तेरे हाथ में है, सोच ले। चल। अरे बोलो। ओ मुखिया, मामू आतंकवादी फरार हो गया, बड़ा खतरनाक आदमी है, कहीं तुमने उसे अपने घर में पनाह तो नहीं दी? नहीं, नहीं। देखो जरा बच के रहना, अगर सो गए भी तो एक आंख खोल के सोना। जी, ओके? जी। लगता है वो रहमान के अड्डे पर होगा, चलो वहीं चलकर देखता हूँ। गांव वाले हम पर हंस रहे हैं बाबूजी, वो छाया खुल्लम खुल्ला हाथ में हाथ डाले उस लड़के के साथ गांव में घूम रही है। कौन है वो लड़का? वही मुखिया का बेटा। अरे वही तारा सिंह। उस मुखिया ने मुझे पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया, और अब उसका बेटा हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालना चाहता है। भाई साहब, आप ही छाया को समझाइए कुछ। खबरदार,
अगर किसी ने छाया को बताया कि हम उसके प्यार के बारे में जानते हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात उस तारा की, तो तारा तेरे बाद जल्दी बजेंगे 12। अरे ओ ठाकुर साहब, हैं क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ तारा के खानदान को बर्बाद ही करना पड़ेगा। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? तरीका तो हम बता देते हैं सरकार। तारा के पिता ने एक रात के लिए मामू आतंकवादी को अपने घर में पनाह दी थी। क्या सोच रहे हो त्रिपाठी? उठा लो उसे और खत्म कर दो। अभी उठा लेता हूँ साले को। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहाँ है मेरे बाबूजी? हाँ बेटा, तेरे बाबूजी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। ठीक है, मैं उन्हें देखता हूँ। और मारो थाले को। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे बाबूजी को किस जुर्म में पकड़ लिया है? कहाँ है मेरे पिताजी? तुम्हारे बाप को पकड़कर बड़े थाने ले गए हैं। मगर उनका जुर्म क्या है? आतंकवादियों से मिला हुआ है वो। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता है बरखुरदार, थाने में चिल्लाना गैर कानूनी है। बात भेजे में आती है कि नहीं? डीसीपी साहब उसे खुद पकड़कर बड़े थाने ले गए हैं। हाँ, टाडा लगा है टाडा, जमानत भी नहीं होती। और अगर तुम मुझसे मिलने जाओगे तो तुम भी धर लिए जाओगे। रही बात तेरे बाप की, लंबे चक्कर में गया है आतंकवादी साला। तो तूने पुलिस पर हाथ उठाया है? तेरा बाप तो लंबे चक्कर में गया ही था, अब ये देख उसका बेटा कहां जाता है। देखा ठाकुर साहब, किस तरह मार मार कर गोल गप्पा बना दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने त्रिपाठी। ये लो अपनी सेवा का मेवा। एक बात बताओ, इतने चारे में त्रिपाठी कितने दिन पाठ पड़ेगा? अरे ठाकुर साहब, ये चारा तो त्रिपाठी के लिए बस 8-10 रोज का ही है। रामखोर, तो तू है इस षड्यंत्र के पीछे? अरे ओ कमीने, अपने ना होने वाले ससुर के साथ इस तरह बदतमीजी से पेश आते हैं क्या? हैं? त्रिपाठी, ये बताओ, ये बाप बेटे ने कबूल किया कि नहीं कि ये आतंकवादियों से मिले हुए? रामखोर, बदला लेना तो मुझसे ले, मेरे पिताजी को क्यों तड़पाते हो? देख, जो खानदान हमारे खानदान की तरफ बुरी नजर डालता है ना, हम उस पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देते हैं। तेरा प्यार मुझसे जीत नहीं सकता तारा।
त्रिपाठी, हाँ, इसे इतना मारो कि इसके साथ इसका प्यार भी हमेशा के लिए यही काल कोठरी में दफन हो जाए, समझे? हाँ, कर दो सालों को। अरे ऐसा ही होगा। क्या? नहीं, नहीं बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना बाबूजी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबूजी। बोल, तू और तेरा बाप बोल आतंकवादी हैं। नहीं, क्या हुआ बेटी? बुआ, मैंने भी तारा के बारे में बहुत बुरा सपना देखा। बुआ, इतने दिन हो गए, तारा ने मुझे मिलने की कोशिश तक नहीं की। क्या हुआ होगा उसे बुआ? होना क्या है? जेल में है वो। क्या? वो और उसके पिताजी आतंकवादियों को शरण दिया करते थे। हम लोग आतंकवादी नहीं है। तेरा बाप भी बोला। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं मान नहीं सकती बुआ। मैं तारा से मिलने जेल में जरूर जाऊंगी। ये मुमकिन नहीं है बेटा, मुमकिन नहीं है। क्यों? हे भगवान, मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। हमारे पुलिस वालों ने मुझे बाबूजी, ये हाल आपको किसने किया बाबूजी? मुझे बहुत मारा इन लोगों ने। बाबूजी, मैं लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबूजी। बाबूजी, नहीं बाबूजी, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, बहुत मारा बाबूजी, सब ठीक होगा बाबूजी, सब ठीक होगा। हाँ बाबूजी, 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 नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बाबूजी, नहीं, नहीं, बाबूजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबूजी, नहीं बाबूजी, बाबूजी उठिए, उठिए बाबूजी, ए कोई है, कोई है, बाबूजी, बाबूजी उठिए बाबूजी। हो गया ना राम नाम सत्य। अरे वाह बुलदार, तारा को बाहर लेके आओ और इस लवर फ्लैश को उठाकर जंगल में फेंक दो। इंस्पेक्टर, मेरे पिताजी के लाश को हाथ नहीं लगाना। अरे हमें पता है बरकरदार कि बाप की चिता को आग बेटा ही देता है, लेकिन ये बॉडी तो लावारिस थी और लावारिस ही रहेगी। ओ हवलदार, ले जाओ इस लाश को, जला दो जंगल में, हड्डियां तक नहीं मिलनी चाहिए साली की, जल्दी ले जाओ इसे, भास मार रही है। Oh, that hurt!
तारा जेल तोड़कर भाग गया। क्या तारा जेल तोड़कर भाग गया? हाँ। वो कैसे? वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरा क्या होगा? तू आ गया बेटा, तेरे चेहरे पर ये चोटों के निशान कैसे? अच्छा ये बता, तेरे बाबूजी कहाँ हैं? मैं पूछ रही हूँ, तेरे बाबूजी कहाँ हैं? ठाकुर बलदेव सिंह बाहर निकल। मुझको भी तो लिफ्ट कर। हाँ? तारा यहाँ? ओ भीमा, जग्गो, शेरा, जल्दी आओ, मर गया। आतंकवादी है। ए, झूठ बोलता है तू। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ आतंकवादी। सब लोग कहते थे कि तुम आतंकवादी हो, टीवी, समाचार, मेरी बुआ तक, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। मगर आज, आज तुम्हारे हाथों में हथियार देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम आतंकवादी हो। अच्छा, तुम भी? अरे तुम तो अहिंसावादी थे, अब तुमने भी हथियार उठा लिए। चाहे तू सच नहीं जानती, इन लोगों ने मेरे बाबूजी को पाल डाला है। झूठ कह रहे हो तुम, तुम्हारे बाबूजी आतंकवादियों से मिले हुए थे। जहर भर दिया तुम्हारे दिमाग में इन लोगों ने मेरे खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब, एकदम सही वक्त पे आए, पकड़ लो इसे, भागने ना पाए। लोग कहते थे कि तुम आतंकवादी हो, टीवी, समाचार, मेरी बुआ तक, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। मगर आज, आज तुम्हारे हाथों में हथियार देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम आतंकवादी हो। Thank you.
आतंकवादी कहते हैं लोग हमें। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम हुकूमत के सताए हुए बागी हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और यह भी जानता हूं उन लोगों ने तुम्हारे बाबूजी के साथ क्या किया। इन सब का एक ही जवाब है, तबाही। लो लो, तबाही मचा दो। लो, क्या सोच रहे हो? हमारे पुलिस वालों ने मुझे उठा बंदूक और भूल जाओ कि तुम तारा हो। आज से एक नई ताकत जन्म लेगी। तातिया, तातिया, तातिया। टूट पड़ो उन पर जो तुमसे जीने का अधिकार छीन रहे हैं। चारों तरफ तबाही मचा दो ताकि सरकार और पुलिस को सबक मिल जाए। हो गया ना राम नाम सत्य। तातिया, मैंने बोला था ना मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा, आज मेरी कसम पूरी हो गई। इंस्पेक्टर, तातिया को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। तातिया है तो मर सकता है या तो मार सकता है। खान साहब, एक बड़ी खबर है। क्या हुआ? पुलिस ने तातिया को घेर लिया है। मुझे डर है कि वो मारा ना जाए। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहां पहुंचा हूं। बहुत अच्छा हुआ जो तू यहां आ गया, वरना तू भी पकड़ा जाता। हाँ खान साहब, इसलिए मैं उल्टे पांव वहां से भाग आया। लेकिन गलत जगह पर तू आ गया है। पकड़ा जाता या मारा जाता, लेकिन यहां तो तू 100% मारा ही जाएगा। माफ करना परवरदिगार, माफ करना। देखो आ गया मेरा शेर। तातिया, मुझे फख्र है तुझ पे। अरे मुझे पूरा यकीन था कि तातिया मारा जा सकता है, लेकिन पकड़ा कभी नहीं जा सकता। आओ आओ तातिया। मैं मर नहीं सकता और ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता हूं। बस सिर्फ मार सकता हूं, सिर्फ मार सकता हूं। शाबाश मेरे तातिया, शाबाश मेरे शेर।
अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम सलाम। तो खान साहब आप हमारे मुल्क में भी आ पहुंचे हैं, ये क्या हुआ? ये एक छोटा सा जख्म है, ये बताइए कैसे आपने मुझे याद किया? खान साहब, हिंदुस्तान में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो फिर आप कहिए किस तरीके से सेटिस्फाइड होंगे? वैसे भी मैं नहीं समझता खान साहब कि ये काम आप अकेले कर पाएंगे। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? आपके लिए हुक्म ये है कि आपके मुल्क में बहुत सारे नौजवान बच्चे आपके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि उन सब लड़कों को हिंदुस्तान की सरहद के इस पार लाया जाए, और खास तौर से वो लड़का, क्या नाम है उसका? तात्या। तारा तो बहुत मशहूर हो गया है, वो सरहद के पार भी मशहूर होने लगा। हाँ खान साहब, मैंने उसकी तस्वीर देखी है, वो हिंदुस्तान के सरहद पर रोजमर्रा कोई ना कोई ऐसे हादसे के लिए बड़ा मशहूर होता जा रहा है, और हम चाहते हैं कि वो उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए जिससे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये बच्चे आतंक फैलाएं। और वैसे भी दुनिया की कड़ी नजर हम पर है, और हम नहीं चाहते खान साहब कि दुनिया को इस बात का पता चले कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए जनरल साहब, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी कि हम एक दूसरे के हमदर्द हैं, हमराज हैं। तो अभी मेरे ख्याल से उसे यहां लाना खतरे से खाली नहीं है। आप जैसा मुनासिब समझे। अच्छा तो खान साहब, मेरे मीटिंग का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूं। बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कैदी नंबर 302, सुनता नहीं क्या? तुमसे कोई लड़की मिलने आई है क्या? बाबा बीमार है? हाँ, वो तुम्हें बार बार याद करती है, शायद वो। नहीं रूपा, माँ को कुछ नहीं हो सकता है। हाँ मैं उसे मिलने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मगर यहाँ तो पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। तारा इस मौत के कुएं से तो बाहर आ सकता है, मगर तुम और सलीम रात को तैयार रहना। वो देखो, वो रही मेरी बेटी छाया। अरे सिन्हा जी कैसे हैं? कौन सिन्हा जी? भाई हमारे दोस्त और तुम्हारे पिताजी सिन्हा साहब। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। भाई साहब, लड़का तो अच्छा है। चुप। भाई एक बात बताओगे? हाँ अंकल। ये तुम्हारी आतंकवादियों के साथ लड़ाई कब शुरू होगी? बस अंकल, बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ। अंकल मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। ओके आ बेटा, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। शुक्रिया अंकल। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? लड़का अच्छा है। तारा की फाइल से यह बात साबित हो गई है कि उसका बहुत बड़ा गिरोह है, और शहर के बड़े बड़े क्रिमिनल्स उसके साथी हैं, जैसे संग्राम, टोनी, राणा और अब्दुल। उन सब का पूरा इतिहास बंद है। सर, क्या इस फाइल में यह भी लिखा है कि तारा को भी किसी लड़की से प्रेम था? प्रेम? हाँ साहब, तारा भी कभी प्रेमी हुआ करता था। किससे प्रेम करता था तारा? अरे साहब, अब हम क्या बोले, छोटा मोर बड़ी बात हो जाएगी ना। आप पुलिस वाले हैं, खुद ही पता लगा लीजिए ना। बाहर के मुल्क के आतंकवादी? आतंकवादी बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है, इसी हिंदुस्तान में पढ़े लिखे नौजवान बेकार बैठे हैं, उन्हें लालखों का लालच दो और आतंकवाद बनाओ, वो खुद अपने भाइयों का खून करेंगे और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सही किया तुमने। आओ बेटी आओ, बैठो। वैसे जब से मेरी यहां ट्रांसफर हुई है, लाइफ का मजा ही कुछ और है। छाया, क्या तुम तारा को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे सच सच बताना। नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे सच सच बताओ छाया, सोच कर जवाब दो। देखो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तारा मेरे गांव में रहता था। हो सकता है कि गांव में तुम लोग मिला करते थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं
तुम और तारा एक दूसरे से प्यार करते थे? ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ, ना ही वो मुझसे प्यार करता है। तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तारा बहुत जल्दी मेरे हाथों से मरने वाला है। भाई अगर बातों से पेट ना भरा हो तो हम लोग खाना खा ले। नहीं अंकल, अब तो मैं शादी के दिन ही इस घर में खाना खाऊंगा। हेलो ठाकुर साहब। हाँ कौन? अरे
मैं सिन्हा बोल रहा हूँ यार। अरे सिन्हा कैसे हो यार? अरे मैं ठीक हूँ। और कैसा लगा लड़का मेरा विजय? विजय बहुत तो बहुत पसंद आया। अरे विजय को भी छाया बहुत पसंद आई। हाँ तो फिर देर किस बात की, अगले हफ्ते चले आओ, कुछ रस्में कुछ कस्में पूरी कर लेते हैं। मैं आता हूँ अगले हफ्ते। आ जाओ यार, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। भैया लगता है बात बन गई। हाँ रणबीर सिन्हा हमारा बचपन का दोस्त है, हमारी बेटी का रिश्ता तो उसे कबूल करना ही होगा ना। विजय को भी छाया के प्यार के बारे में कुछ नहीं मालूम। और ऐसा ही होना चाहिए, तुम अपनी कैंची जैसी जबान बंद रखना, समझे? जी अच्छा भैया, मगर ये दुनिया वाले सब बाहर में गए। दुनिया वाले तुम सीधे जाओ और छाया को शादी के लिए राजी करो। ये जरूर मरवाएगी। मुझे शादी नहीं करनी बुआ। बड़े भैया ने तेरा रिश्ता इंस्पेक्टर विजय के साथ तय किया है, क्या गबरू जवान है। बावली हो गई है क्या बुआ? मुझे बचा लो। छाया बेटी। जी बाबूजी। हम तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे द्वारा किया हुआ रिश्ता तुम्हें जरूर मंजूर होगा। क्या तारा जेल तोड़कर भाग गया? माँ, माँ मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। बेटा मैं भी तेरे बगैर कैसे रह सकती हूँ, ये सब न जाने क्या हो गया। अपनी जिंदगी तो एक कहानी जैसी लगती है। मुझे आज भी याद है तेरा बचपन, जब तू अपने बाबूजी के साथ खेला करता था। देखा ठाकुर साहब, किस तरह मार मार कर गोल गप्पा बना दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने त्रिपाठी, ये लो अपनी सेवा का मेवा। तात्या तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बच के नहीं जा सकते। तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आता हूं। तात्या आखिर आज मैंने तुझे पकड़ लिया, क्योंकि मैंने कसम खाई थी। बस क्या यही कसम खाई थी कि मेरे लाश पर खड़े होकर शादी करोगे? इंस्पेक्टर जरा अपनी चारों तरफ देख लेना। मेरे प्यार की ताकत को तुम नहीं जानते। प्यार की ताकत को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? पर छाया तुमसे प्यार नहीं करती, समझे? वो उससे बेहतर कौन जान सकता है? मरोगे तुम, मेरे हाथ से मरोगे। जान प्यारी है तो छाया का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना, वरना पछताओगे। जाओ इंस्पेक्टर, हमारे पीछे आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तुम जानते हो। मरोगे तुम, मेरे हाथ से मरोगे। हाँ भैया खाना वाना एकदम बढ़िया है। हेलो व्हाट बेटी की? 20 किलोमीटर दूर तात्या ने हमला कर दिया। ओके 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 मैं पहुंचता हूँ। हाँ आता आता बाबूजी। तात्या ने हमला कर दिया है? हाँ चलो मैं चलता हूँ। देना ए इधर आ। आया, सबका ख्याल रखो, हम अभी आते हैं। चलो चलो। हेलो
लोग कहते थे कि तुम आतंकवादी हो, टीवी समाचार मेरी बुआ तक, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। मगर आज आज तुम्हारे हाथों में हथियार देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम आतंकवादी हो। आज जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं, उठी जो तेरी डोली सारे जमाने को चला दूंगा मैं। मुझे पता है कि कल रात तू फिर एक मंडप उजाड़ने गया था। तारा का बस चले तो और मंडप जला दे, यहां से 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है, लेकिन तू ये मत भूल दुनिया की नजरों में तू एक आतंकवादी है, और आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। बस एक काल तो होता है, रात के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो जल जाओगी। अरे तातिया, कल को भूल जा और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे अपना ले। नाम मेरा रूपा है, मगर आग तो मैं भी हूं तारा। नफरत की आग दोनों तरफ लगी है, अब देखना यह है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ठाकुर साहब, आज तो मेरी कसम पूरी होते होते रह गई, तात्या मेरे हाथों आया भी और रेत की तरह निकल भी गया। इसीलिए तो कहता हूं बेटा, अपनी कसम वसम भूल जाओ और छाया से शादी कर लो। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, इससे तो मेरी कसम और भी मजबूत हो गई है। अब तो मैं तात्या को जिंदा या मुर्दा पकड़ के रहूंगा, और उसके लिए मैंने वो चक्रव्यूह रचा है जिसमें उसे फंसना ही होगा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मार डालो साले को। बेटी, बुआ, मुझे माता के दरबार ले चलो। क्या हुआ? उसकी जान की दुआ मांगनी है। उसने तेरे साथ जो भी किया, उसके बावजूद भी? उसने जो कुछ भी किया बुआ, हालात से मजबूर होकर किया। बुआ, मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा है। बुआ, मुझे माता के दरबार ले चलो। जय माता दी, जय माता दी। अच्छा, तो ये पुलिस की चाल थी। कहाँ है तात्या? अच्छा हुआ जो तात्या नहीं है। हमें जो खबर मिली है वो सच है तात्या? सच है कान साहब, हमारे चारों लड़के पुलिस के हाथों पकड़े गए, ये उनकी चाल थी मुझे पकड़ने की। ठीक है तात्या, हमें उन चारों लड़कों को पुलिस के चंगुल से किसी भी हाल में छुड़ाना पड़ेगा। हमारे चारों आदमी वापस आएंगे और हमारा कोई भी आदमी मारा नहीं जाएगा, और पुलिस पुलिस को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। वो कैसे? उन लोगों ने एक चाल चली थी, अब हम भी एक चाल चलेंगे। Yeah.
आप सभी को बंदी बनाया जाता है। दिया काम हुआ? हाँ। शाबाश मेरे शेर, अपनी पकड़ उन पर ढीली मत करना। अब मैं अपने चार साथियों का पुलिस से सौदा करूंगा और कोई भी गड़बड़ करे तो उसे गोलियों से भून देना। ठीक है खान साहब। तू खामोश क्यों होता दिया? जिंदगी बड़ी अजीब है खान साहब, ऐसा इम्तिहान लेती है कि आदमी को खामोश कर देती है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मतलब समझने के लिए दिल चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा ही है, वरना मैं भी मजनूओं में शामिल हो जाता। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर। खुदा हाफिज। मेरा नाम तात्या है। आप सबको बंदी बनाया गया है क्योंकि पुलिस वाले ने हमारे आदमी को पकड़ लिया है। हमने उन्हें 48 घंटे का समय दिया है, वहां से उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा और यहाँ से आप लोगों को। तब तक आप वही काम करेंगे जो हम चाहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। गलत, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। आपको हमें बंदी बनाने का कोई हक नहीं, समझे? हक की बात मत करो तुम। क्यों, तुम लोग जो सब कर रहे हो सब गैर कानूनी है। अबे चुप बे कानून के पुत्र, वरना यहीं पर तेरे को लटका डालूंगी। क्यों, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो तुम लोग से भी कहता हूँ चलो यहाँ से। खबरदार, किसी ने भी आगे कदम बढ़ाया तो। मैं नहीं रुकने वाला दीदी, चलो हम लोग यहाँ से जाते हैं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, खान बोल रहा हूँ, अली खान। खान तू? देखो इंस्पेक्टर, तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को मैंने किडनैप करवा लिया है। अगर तुमने हमारे चार साथियों को नहीं छोड़ा तो याद रखो इन यात्रियों की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। नहीं खान, तुम उन्हें नहीं कुछ करोगे। ठीक है, मैं सिर्फ 24 घंटे तक इंतजार करूंगा। ओके। हेलो खान, खान, हेलो, हेलो, हेलो। अब तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि फंस गई तो गई का। हेलो ठाकुर साहब, ठाकुर साहब एक बहुत बुरी खबर, आपकी बेटी छाया, आपकी बेटी छाया और कुछ लोग खान के कब्जे हैं। लेकिन हेलो, हाँ ठाकुर साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी भी कीमत पर उन्हें वापस लाकर दिखाऊंगा। इस नक्शे के मुताबिक बस इन दोनों चेक पोस्टों के बीच से गायब हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि आतंकवादियों का अड्डा यहीं कहीं है। तुम अपने सबके सब आदमियों को ले जाओ और चारों तरफ फैल जाओ।
मुझे आतंकवादी किसी भी हाल में चाहिए, समझे? कमान मौन हो। जी सर। हेलो, हाँ तातिया, खान बोल रहा हूँ। हाँ देखो, उस इंस्पेक्टर ने हमारे चार आदमियों को छोड़ने से मना कर दिया, इसलिए तुम लाशों का ढेर बिछा दो, मारो सबको, गोलियों से भून डालो, कोहराम मचा दो। ठीक है। क्या बिगाड़ा है, बहुत डर लगता है। ए, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तारा, मरना है तो मुझे मार, ले तो फिर मर। क्या गिला था जो तुम आतंकवादी बन गए? गिला तो मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी मेरा सीना चीर कर देखो, मेरे देश का नक्शा छपा हुआ नजर आएगा। झूठ! अरे मुझे तो शर्म आती अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे दोगले इंसान से प्यार किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुमने क्या प्यार किया और हमने क्या प्यार किया। फिर झूठ! अरे तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। क्या, बस धोखा दिया है धोखा। मैंने प्यार नहीं किया, मैंने तो ये बंदूक मेरे हाथ में किसने थमाई? अच्छा, बहुत प्यार किया है तुमने मुझसे, तो इस प्यार के भरोसे मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? प्यार में सौदा करने की आदत गई नहीं तुम्हारी, मांगो। मांगो क्या मांगना है, जान तक दे दूंगा। मुझे तुम्हारी जान नहीं, मुझे उन लोगों की जान की सलामती चाहिए जिन लोगों को तुमने कैद किया हुआ है। उनमें मासूम बच्चे, निर्दोष औरतें हैं जिनका कोई दोष नहीं। तारा, तुम्हारी दुश्मनी चाहे जिनसे भी हो, उनका गुस्सा इन मासूम पर मत निकालो। तुम तो इतने बेरहम नहीं थे तारा, तुम्हें गुमराह किया है इस रात के अंधेरे ने। ठीक है, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ठहरो, मांगी तो मेरी जान मांगी, लेकिन जो मेरे प्यार का दावा साबित न कर सके वो जान किस काम की? क्या चाहती हो, उन लोगों की रिहाई? छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। ठीक है, एक आतंकवादी और क्या शर्त रख सकता है? मैंने तारा से प्यार किया था, जिस दिन तातिया तारा बन जाएगा मेरा प्यार लौट आएगा, लेकिन मैं जानती हूँ ये कभी नहीं हो सकता। बहुत जल्द तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप से उगलवा दूंगा कि ये आदमी तारा से तातिया कैसे बना। पागल तो नहीं हो गए हो? तुम खान से दुश्मनी लेना चाहते हो, वो भी इस लड़की के लिए? यही समझ लो, मेरा पहला मकसद कुछ और है। खान तुम्हें मार डालेगा, अगर खान से बच गए तो कानून तुम्हें मार डालेगा। हम तो कब से अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं, कमबख्त कोई लेता ही नहीं। मुझे मालूम था ये लड़की तुम्हें एक दिन मौत के करीब ले जाएगी,
जाओ, चली जाओ यहां से। बेटी तो आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, आप लोग जाइए। तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करो। भाई साहब क्या हुआ? सारा छाया को लेकर भाग गया। और तुम अपना मुंह काला करके यहाँ चली आई? मैंने सोचा हम दोनों में से किसी एक की जान तो बचे। ठीक है, अच्छा किया। एक बात बताओ, तात्या ने उसने आपको मारने की कसम खाई है? तात्या मुझे मारेगा? उसे यहाँ आने तो दो। तात्या मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तारा तात्या कैसे बना ये तो पता चल गया, लेकिन तुम एक लड़की होकर इन आतंकवादियों से मिली हुई हो? नहीं, मेरी भी एक हंसती खेलती जिंदगी थी, मेरी भी शादी हुई थी। मुझे आज भी याद है मेरी शादी की वो पहली सुहाग रात, जब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी मेरे पति को उन लोगों ने मार डाला और मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली उन लोगों ने, और मैं एक आम लड़की से एक आतंकवादी बन गई। अरे तुम तो अहिंसावादी थे, अब तुमने भी हथियार उठा लिए। चाहे तू सच नहीं जानती, इन लोगों ने मेरे बाबूजी को पाल डाला है। झूठ कह रहे हो तुम, तुम्हारे बाबूजी आतंकवादियों से मिले हुए थे। जहर भर दिया तुम्हारे दिमाग में इन लोगों ने मेरे खिलाफ। क्या बात है ठाकुर साहब, आज खान के दरबार में कैसे आना हुआ? देखो खान, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। होगी भी नहीं, क्योंकि हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरा बनकर आतंक फैलाते हैं, तुम सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो, भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। बेकार बातें मत करो खान, मुझे तात्या का सिर चाहिए। मुझे पता है, अगर तात्या का तुम्हें सर नहीं मिला तो वो तुम्हें मार डालेगा। फिक्र मत करो, तात्या का सर मिल जाएगा। और दूसरी बात, मुझे अपनी बेटी चाहिए। देखो ठाकुर, हर चीज की एक कीमत होती है। बोलो क्या कीमत चाहते हो? बड़े धागे आपके इस इलाके में, इस इलाके के ठाकुर जो ठहरे। हाँ वो तो है, हमारे चार आदमी को यहाँ की पुलिस ने पकड़ रखी है, उसे छुड़वा दीजिए। छुड़वा दूँ? हो जाएगा। और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा। देखिए ठाकुर साहब, अकेले तो मैं बड़ी आसानी से बॉर्डर पार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पलटन भी है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उनकी यहाँ लाशें बिछे। ठीक है, वो भी हो जाएगा। बहुत खूब, तात्या का सर मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी बेटी बॉर्डर पार करने के बाद ही मिलेगी। अच्छा
तो अब मैं चलूं। खुदा हाफिज। चलो जल्दी चलो। तारा मैं अब भी कहती हूँ अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। त्रिपाठी मेरा नाम है बरखुरदार, जिंदा नहीं मुर्दा। पुलिस के हवाले तुम्हें त्रिपाठी करेगा। हाँ साले मैं जानता था जब मेरी बंदूक तेरी कनपट्टी के पास आएगी ना तो तू जानबूझकर अपनी बंदूक अपनी टांगों के पास गिरा देगा। साले आतंकवादी शानपंथी, क्या समझता है कि मुझे एक आंख से दिखता नहीं है ना, इसलिए साले त्रिपाठी एक आंख से सारी दुनिया देखता है। हाँ अभी तुझे सेट करता हूँ। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे मारने है तो ठाकुर साहब को मारो जिसके कहने पे मैंने सब कुछ किया है। हम लोग आतंकवादी नहीं है। तेरा बाप भी बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सच है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे बाप के कहने पर किया। उसने मुझे पैसे दिए थे कि इन बाप बेटों को इतना मारो कि ये आतंकवादी बन जाए, क्योंकि ये तुझे प्यार करता था। मुझे तुम्हारे प्रेम की कहानी से क्या लेना देना, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता बेचारे छाया। नहीं नहीं, मुझे ना मारो। नहीं आखिर हमारे साथ गद्दारी कर ही दिया। मुझे किसी भी कीमत पे तातिया और वो लड़की चाहिए। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। जाओ लेकिन छाया तारा के साथ गई तो गई क्यों? देखो अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। सच तो ये है कि छाया अब भी उतना ही प्यार करती है तारा से। तारा कितनी बार कहा कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं हुआ करती, लेकिन तू गद्दारी करने से बाज नहीं आया। अरे सुनो, ठाकुर साहब को खबर कर दो कि उनकी बेटी मिल गई है। और इस गद्दार को बंद कर दो। तुम जानते हो हम क्या सोच रहे हैं? जी हमेशा आसमान को पाने की सोचो। जब तुम आसमान को पाने की सोचोगे तो सारे चांद सितारे तुम्हारे मुट्ठी में होंगे। एक बार कश्मीर पे हमारा कब्जा हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा होगा। खान आपका माल आपको मिल गया ना?
ठाकुर साहब मैं तो माला माल हो गया, बहुत खुश हूं मैं आज। खान साहब 15 दिनों के बाद आपको अपने साथियों के साथ हमारे मुल्क में आना है। अरे फिक्र मत कीजिए जनाब, बॉर्डर पार करवाने की तैयारी तो ठाकुर साहब की है, क्यों ठाकुर साहब? और उसके बाद आप मेरी बेटी मेरे हवाले कर देंगे। बेशक, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया खान। क्या, कौन सा वादा? तातिया को जान से मारने का वादा। आप फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, तातिया का सर आपको यहीं पेश कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी बेटी हमें बॉर्डर पार करने के बाद ही आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है खान, मैं चलता हूँ। खान, ठाकुर जैसे कमीनी लोगों के साथ तू मिल गया है? बदतमीज गद्दार लड़की। गद्दार? अरे गद्दार तो तू है। तू हमारे बिल्ली आज तारा के इशारे पे नाचने लगी। आज एक नहीं दो प्यार करने के लिए मैं नाची हूँ, एक अपने तारा के लिए और एक अपने देश के लिए। तू और देशभक्त? अरे तेरे मुकाबले तो मैं देशभक्त हूँ। मैं? तूने अपने ही दुश्मनों से पैसा लेकर अपनी ही धरती माँ का सौदा कर दिया। खान पैसों के लिए तो किसी भी देश को बेच सकता है, किसी भी देशद्रोही को अपना साथी बना सकता है। ए, हमारी लड़ाई देश को बर्बाद करने की नहीं थी बल्कि इसके सिस्टम के खिलाफ थी, ऐसे कमीने लोगों को खत्म करने की थी। हमारी धरती से गद्दारी मत करना वरना धरती फट जाएगी, शोले उगलेगी और तुझे जलाकर राख कर देगी। राख तो मैं तेरा कर दूंगा हराम हो, जाओ भुंडा उस साले को। ले जाओ इसे भी, ले जाओ। जनरल साहब, खान बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ खान भाई बोलो। अपने जवानों को खबर कर दो कि कुछ ही घंटों में मैं हिंदुस्तान की सरहद पार करके आपके मुल्क में दाखिल हो रहा हूँ। अरे भाई ये क्या बेहुदा हरकत कर रहे हो, मैंने कहा ना आपको 15 दिनों के बाद यहाँ आना है। जनरल साहब मेरी भी मजबूरी है, आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए किसी भी कीमत पे सरहद पार नहीं पड़ेगा। नो 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 खान साहब, क्या है कि अमेरिकन ग्रुप यहाँ आ रहा है, वो पूरे बॉर्डर का मुआयना करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि उनको इस बात का पता चले कि हम आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता जनरल, मैं किसी भी कीमत पे बॉर्डर पार करके आ रहा हूँ। हाँ you
बाहर कब तक भागेगा? तात्या, जी चाहता है कि आज तुझे मैं इसी वक्त गोली मार दूं। गोली चलाना तो मुझे भी आता है। वो मैं भी जानता हूं तात्या, लेकिन क्या तुमसे बताया नहीं गया कि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो? लेकिन तात्या, मुझे छाया कि बुआ ने सब कुछ पहले बता दिया था। तात्या, आज तुम्हारे सच्चे प्यार को सल्यूट करने को जी चाहता है, पर मेरे दोस्त, अफसोस इस बात का है कि मुझे मजबूरन तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। चाहो तो मुझे सूली पे चढ़ा दे, बस एक बार मुझे खान और उसके साथियों को बाहर जाने से रोक लेने दे, क्योंकि वो अगर चले गए तो इंसान नहीं बारूद बनकर लौटेंगे, फिर पूरे देश को तहस नहस कर देंगे। बस भाई, एक बार मैं उसे रोक लूं तो मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। ओके ओके, लेकिन एक बात और, ठाकुर ने अपने गुनाहों की जिम्मेदारी ले ली है और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। खान, रुचा खान, मुझसे बचकर कब तक भागेगा? खान, मुझे माफ कर दे। देख तातिया, तू चाहे तो मेरी सारी दौलत ले ले, और फिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा तातिया? तुझे मैंने सारा दिया, हथियार दिया, आदमी दिया, तू मेरे जान का दुश्मन क्यों बना है? अरे तेरे जिसे दुश्मनी थी उसे तो तूने खत्म कर दिया। मेरी जान बख्श दे, इंसानियत बनकर इंसानियत का सबूत दे दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तू मेरा नहीं, इस देश का दुश्मन है, और इस देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। आरामखोर, तू आतंकवादी है, चंद पैसों के लिए तू अपने ईमान को बेचता है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चल यहां से, चल। तारा, तारा, उठो तारा, उठो। ये तुमने क्या क्या तात्या? आज मैं सबके सब आतंकवादियों को मार डालूंगा। तुम आतंकवादी को मिटाना चाहते हो और मैं आतंकवाद को। ठीक है मेरे दोस्त, चलो। हाँ, रुक जा, बस अब तेरी दौड़ यहीं खत्म है, समझा? मुझ जैसे आतंकवादी को खत्म करके क्या होगा? अरे देश में पनप रहे आतंकवादी तो खत्म नहीं हो जाएंगे ना, और फिर आतंकवाद को खत्म करना तो जड़ से खत्म करो, और जड़ से खत्म करने के लिए तुम्हारी सरकार को सदियां बीत जाएंगी इंस्पेक्टर। अरे नहीं, तो जैसे आतंकवादी को खत्म करने के लिए हमें सदियां नहीं, चंद लम्हे चाहिए, लम्हे। भूल गए कारगिल में हमने दुश्मनों के कैसे छक्के छुड़ाए थे? आज मैं उसी तरह मार मार कर तुम्हारे छक्के छुड़ा दूंगा, ताकि तेरा हशर देखकर कोई भी आतंकवादी बनने का सपना ना देखे। Yeah.
भाग रहे हो खान साहब? मैं भाग नहीं रहा हूं तातिया, मैं तो अपनी गलतियों पर एहसास करके अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूं। हाँ तातिया, जो इंसान अपने देश, अपने समाज, अपने कौम के साथ गद्दारी करे, वो इंसान इंसान नहीं है। अरे उसे तो नीचे भी नहीं ऊपर भी माफ नहीं किया जाएगा। अरे मैंने कितने देश को आपस में लड़वाया, कितने नौजवानों को आतंकवादी बनाया सिर्फ पैसों की खातिर। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं तातिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूं। मुझे ले चलो तातिया, मुझे कानून के हवाले कर दो, ले चलो। मैंने कहा था ना आतंकवाद को खत्म करूंगा, ये ले गिरफ्तार कर लो इसे। मुझे भी गिरफ्तार कर लो, मैं भी अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूं। खैर मुझे तो नहीं, तुझे तो तेरा प्यार मिला। मैं भी अपने आप को कानून के हवाले कर रही हूं। दिल पर मिटा के होगा मेरा ऐसा।